भारतीय संविधान के निर्माण में किन किन देशों के संविधानों से कौन कौन सी सहायता ली गई है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दोस्तों, इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने दुनिया की कुल 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और उन पर गहन चर्चा के बाद उनमें से जो महत्वपूर्ण बातें थी उन्हें अपने संविधान में शामिल किया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किन किन देशों के संविधानों से कौन कौन सी बातें हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो आए सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोज के बारे में, चैनल के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके जानते हैं कि दुनिया के किन किन देशों के संविधानों से कौन कौन सी महत्वपूर्ण विषय हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की। तो दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश के संविधान में संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद को शामिल किया गया है। ये सभी जो महत्वपूर्ण विषय हैं इनको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से विषय, यानी कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यानी कि जो राज्यसभा में सदस्य जो होते हैं मनोनीत होते हैं, जिनका साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इन चीज़ों से जो ताल्लुक रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आयरलैंड के जो संविधान है उससे हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी विषय हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी चीजें जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कनाडा के संविधान से कौन कौन से विषय हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो दोस्तों, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का न्याय निर्णयन, ये सभी जो विषय हैं ये सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से विषय हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सारे जो विषय हैं वो सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन कौन सी विषय हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो दोस्तों, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है, यानी कि जब आपातकाल लगता है तो उस समय जो मूल अधिकार होते हैं उसका स्थगन हो जाता है, यही जो विषय था, यही जो विषय है वो हमारे संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि फ्रांस के संविधान से कौन कौन से विषय हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और हमारे प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श हैं ये सभी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जापान के संविधान से कौन सी विषय हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो दोस्तों, जापान के संविधान से
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जो है हमारे संविधान में जापान के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से विषय हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये जो विषय हैं वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रूस के संविधान की, यानी कि रूस के संविधान से कौन कौन से विषय हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। दोस्तों रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो दर्श है वो रूस के संविधान से लिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी शब्द मैंने बताए हैं अगर आप उन सभी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसके बारे में विस्तार से बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिस पर वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल का सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे होगा यह कि हमारे चैनल पर जितनी भी नई वीडियो डल जाएगी सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।